Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश, कैप्टन सफदर भी कुछ देर में पेश होंगे। 50 लाख रुपए के जमानती मचाल के जमा कराने की हिदायत। मरियम नवाज के मचल के जमा आसिफ किरमानी और परवेज रशीद ने बतौर गवाह दस्तखत किए। समात में 10 बजे तक का वक्फा। नैब रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब की नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की। नवाज शरीफ अदालत को बगैर बताए बैरून मुल्क गए, प्रोसिक्यूटर नैब का मौकफ। नवाज शरीफ अपनी अहलिया की आयादत के लिए लंदन गए हैं, वो आज की हाजिरी का इस्तिस्ना मांग रहे हैं। ख्वाजा हारिस की वजाहत। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड को लंदन से इस्लामाबाद पहुंच नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नून लीग के कारकुनों का एहतजाज, नैब इस्लामाबाद ऑफिस के बाहर भी लीगी रहनुमाओं का मुजाहरा। लंदन से पाकिस्तान पहुंचने वाली मरियम लाहौर को एयरपोर्ट पर नैब की टीम के रहमो करम पर छोड़कर अकेले ही गाड़ी में चली गईं। बेटी के ससुर चौधरी मुनीर के घर कयाम किया। जुडिशियल एकेडमी की सिक्योरिटी पर पुलिस और एफसी मामूर, 1000 से ज्यादा अहलकार तैनात, रेंजर्स को तलब नहीं किया गया। मीडिया की अदालत में दाखिले पर आज भी पाबंदी। शरीफ अपने दामाद की गिरफ्तारी पर परेशान, मरियम नवाज को टेलीफोन, सूरत हाल पर बातचीत। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी साहब के नाम पर इंतकाम है, लड़ना हम भी जानते हैं लेकिन इससे इंतशार फैलेगा। मुखालफिन की हसद, रकाबत और इंतकाम से मुल्क को नुकसान हो रहा है। वजीर रेलवे साद रफीक का ट्वीट। ख्वाजा साद रफीक के ट्वीट का जवाब शर्जील मेमन ने दे दिया। कहा कि आप भी वो दिन याद करें जब मेरी जमानत होने के बावजूद मुझे रनवे से गिरफ्तार किया गया। आज आपने नैब को एयरपोर्ट में दाखिले से रोका। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड, कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन मुकर्रर, जल्द ओहदा संभालेंगे। नोटिफिकेशन जारी, जस्टिस जावेद इकबाल ने एबटाबाद कमीशन की सरबराही की। इस वक्त लापता अफराद के लिए कायम कमीशन के सरबरा रहे। कोयटा के इलाके गवाल मंडी की हदूद में मुसल्ला अफराद की कार पर फायरिंग, 5 अफराद जहां बाग, एक जख्मी हो गया, मुलजमान फरार। कराची के इलाके सदर में वैन ड्राइवर ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी, 2 अफराद को कुचलकर हलाक कर दिया, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी के दरमियान सिफारती तनाजा शिद्दत अख्तियार कर